गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम 10 नवंबर के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर संजय गुप्ता को नियुक्त किया गया, ये राजन आनंद की जगह लेंगे। संजय गुप्ता पहले डिज्नी इंडिया के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के ब्रासिलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत की ओर से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। ये छठा मौका होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेशन फ्यूचर है। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें सम्मिलित किया गया। इसके पहले इसे ये चार देशों का समूह था और इसे ब्रिक रूप से जाना जाता था। साउथ अफ्रीका को सम्मिलित करने के बाद इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। रेलवे ने आईटी सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3 ऑनलाइन ऐप लॉन्च किए हैं। पहला है CRS सेशन मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा रेल रोड क्रॉसिंग GAD अप्रूवल सिस्टम और तीसरा है TMS फॉर कंस्ट्रक्शन MAT बीफिंग अप IT इनेबल। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। फिल्म महोत्सव 2019 में दिव्यांगजनों के लिए 3 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की गोल्डन जुबली पर एक्सेसिबल फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें ऑडियो डेओन के माध्यम से दिव्यांगजनों को सिनेमा का अनुभव कराया जाएगा। इसके लिए IFFI यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और सक्षम भारत और यूनेस्को के बीच सहयोग किया गया है। जो 3 फिल्में दिव्यांगजनों को दिखाई जाएंगी उसमें 2 हिंदी फिल्म हैं और 1 कोंकणी फिल्म है। 2 हिंदी फिल्म में लगे रहो मुन्ना भाई, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और 1 कोंकणी भाषा की जो फिल्म है वो है क्वेस्टो डी कम्फसाओ। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। 2022 का महिला विश्व कप के लिए नामित किया गया है स्पेन और नीदरलैंड को। यह निर्णय स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में आयोजित FIH की कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान किया गया। साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखिका नवनीता देवसेन का निधन हो गया। नवनीता देवसेन 1999 में नवनीता पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2000 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये वेस्ट बंगाल महिला लेखक संघ की संस्थापक और अध्यक्ष रह चुकी थी। 1978 में इनकी लिखी पुस्तक बंगाल के नक्सल आंदोलन को अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया। ग्लोबल एशियन अवार्ड से कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। ये आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्हें ABLF यानी एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड जो है वो UAE सरकार द्वारा दिया जाता है। अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी मूडीज ने भारत के आर्थिक अनुमान को स्थिर से बदलकर नकारात्मक कर दिया। मूडीज ने मार्च 2020 तक GDP में 3.7 के बजट घाटे की भविष्यवाणी की, जो कि सरकार के 3.3% लक्ष्य से अलग है। मूडीज के MD और CEO हैं रेमन डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। मूडीज की स्थापना 1909 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इंडियन बैंक ने MSME में सेवा देने के लिए मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। इंडियन बैंक के महाप्रबंधक सुधाकर राव और मुथूट फाइनेंस के CFO प्रवीण टी ने मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किया। इंडियन बैंक के MD एंड CEO है पद्मजा चंदू।
इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को की गई, हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इंडियन बैंक का टैगलाइन है योर ओन बैंक। एक्जिम बैंक ने पीने योग्य पानी परियोजना के लिए घाना को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 30 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 210 करोड़ रुपए दिए। घाना के राष्ट्रपति है नाना अकुफो एडो, राजधानी है अकरा, मुद्रा है घानियन सेंडी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने राज्य के लोगों को न्याय देने की उनकी क्षमता के आधार पर जारी राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। 7 छोटे राज्यों की सूची में पहले नंबर पे हैं गोवा। 7 छोटे राज्य यानी कि जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है, इसमें टॉप पे हैं गोवा, उसके बाद है सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में सबसे पीछे उत्तर प्रदेश चल रहा है। भारतीय तट रक्षक ICG गोवा तट पर क्षेत्रीय स्तर की खोज और बचाव कार्यशाला और अभ्यास 2019 का आयोजन किया है। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 18 अगस्त 1978 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसका मोटो है वयम रक्ष अहम, हम यानी कि हम रक्षा करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर। थैंक यू।